Welcome to TradeClue Live Analysis Session. First of all, this live session are for educational purpose and not a recommendation. So kindly trade according to the risk. Let's see market mein kya ho raha hai. Yeah, so as we can see, आज थोड़ा bearishness हमें देखने को मिल रहा है. Nifty ने all time high लगाया था, आज फिर से gap up open हुआ. Gap open होके यहाँ पे एक sharp fall हमें देखने को मिल रहा है. And as we can see, यहाँ पे continuous fall है. लाइक एक भी रिट्रेसमेंट नहीं मिला हमें. कंटिन्यू सेल 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 ऑफ ही देखने को मिलता है. कंटिन्यू 6 to 7 कैंडल्स आर रेड कैंडल. दैट शोज कि मार्केट में आज सेलिंग प्रेशर काफी स्ट्रांग है. प्लस उसके साथ यहाँ पे रेड डॉट भी है. ओके, तो देर इज अ स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट. तो यहाँ पे अब हम क्या प्लान कर सकते हैं इंडेक्स में? तो बेसिकली अगर ऊपर आता है तो फिर से हम बेयरिश साइड के लिए फोकस कर सकते हैं. तो आज का जो दिन रहेगा वो सेल ऑन राइज होगा. दिव्या जी काइंडली रिकनेक्ट. अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है देन यू कैन रीजॉइन द मीटिंग. ओके, या सो आई थिंक माय वॉइस इज प्रॉपर. सो आवर प्लान विल बी टुडे कि आज यहाँ पे देख सकते हो कि शार्प सेल ऑफ आ गया है. दैट शोज कि मार्केट में सेलर्स काफी स्ट्रांग है. एक नया हाई लगा कि यहीं से सेल ऑफ देखने को मिल गया हमें. बट नाउ राइट नाउ मार्केट इज कमिंग इन टू द सपोर्ट जोन. तो जहाँ पे कल ब्रेकआउट मिला था उसी जोन में आके सपोर्ट ले रहा है. सो दिस एरिया विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट एरिया. तो यहाँ पे हमें क्या प्लान करना है? हम बुलिश साइड के लिए तो फोकस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रांग सेल ऑफ आ गया है. बट अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाके कुछ ट्रेंड लाइन जैसा पैटर्न क्रिएट करता है, देन वी कैन प्लान फॉर अनदर बेयरिश साइड. देन वी कैन प्लान फॉर अनदर बेयरिश साइड. हमें यस्टरडे क्लोज तक का भी अपसाइड मिलके यहाँ पे कोई सेल सेटअप मिलता है, देन ऑल्सो वी कैन प्लान फॉर बेयरिश साइड. देन वी कैन ऑल्सो प्लान फॉर बेयरिश साइड क्योंकि एज वी कैन सी यहाँ पे मल्टीपल रेड डॉट्स है. दैट शोज कि देर इज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर. प्लस गैप ऑफ ओपन होके सेल ऑफ आया है एंड इट्स अ ह्यूज सेल ऑफ. ओके, इट्स अ ह्यूज सेल ऑफ. ऑलमोस्ट 0.70% का सेल ऑफ हमें देखने को मिल गया है. 150 पॉइंट्स का सेल ऑफ देखने को मिल गया है. सो सेल ऑन राइज विल बी वेरी गुड ऑप्शन टूडे. अगर ऊपर आता है तो यहाँ पे कुछ सेल पैटर्न मिलता है तो फिर से हम सेल साइड के लिए फोकस कर सकते हैं. सेम थिंग इन बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी तो काफी गिर चुकी है. तो कंपेयर टू निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अभी सपोर्ट पे आ रही है. यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्स पुट लेवल है. ओके, प्लस यहाँ पे कल जो बाइंग आई थी वो सारे बायर ट्रैप हो गए. मल्टीपल रेड डॉट्स, सेलिंग प्रेशर, कंटिन्यूस फॉल. दैट शोज की मार्केट में स्ट्रांग बेयरिशनेस है आज के दिन. तो यहाँ पे देखो सपोर्ट एरिया में आ रहा है. प्रीवियस ग्रीन बॉक्स है तो वही से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि रिट्रेस करता है, पुल बैक देता है और फिर यहाँ पे कुछ सेल पैटर्न क्रिएट करता है लाइक ट्रेंड लाइन पैटर्न, डबल बॉट, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप. तो यहाँ से फिर से हम अनदर सेल ऑफ के लिए ट्राई कर सकते हैं. तो मैक्स पुट तक फिर से नीचे गिर सकता है. तो 52,000 विल बी की सपोर्ट लेवल. तो 50,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है. तो यहाँ तक मार्केट फिर से आने की कोशिश कर सकता है. सो इट माइट गो अप एंड देन कम डाउन अगेन. इट माइट गो अप एंड कम डाउन अगेन. अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यूस रेड कैंडल्स है. तो डेफिनेटली एक आपको प्रॉफिट बुकिंग का मुंह देखने को मिलेगा ही मिलेगा. तो वो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद आप फिर से इसमें सेल साइड के लिए फोकस कर सकते हो. ओके, तो दैट शुड बी द आइडिया फॉर ऑल द थ्री इंडेक्स. फिन निफ्टी में भी सिमिलर ही सेटअप है. बट फिन निफ्टी में ग्रीन डॉट्स है तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए बिकॉज रेड एंड ग्रीन डॉट्स दोनों हैं. तो इट विल स्टे इन दिस रेंज ओनली. Instead, we can focus on Bank Nifty and Nifty 50. Both are having good setup. अगर ऊपर जाके कुछ sales setup बना देता है तो फिर से we can plan for a reversal. So that should be the idea for Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. Then there are stocks. Chola Finance हमने group में share किया था, but unfortunately first candle ही देख सकते कि काफी बड़ी red candle. एंड कंटिन्यू बैंक निफ्टी गिर गया तो डेफिनेटली उसके रिलेटेड स्टॉक भी उतने ही गिरेंगे. तो रिजल्ट वॉज वेरी सैड. यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल के बाद ही यहाँ पे शार्प सेल अप देखने मिल गया. सो नाउ चोला फाइनेंस हैज बिकम इनवैलिड. तो चोला मंडलम अभी इनवैलिड हो गया है. तो ये जो सारे स्टॉक्स थे वो हमने आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो गया या फिर रिवर्सल स्ट्रैटेजी, रेड ग्रीन बैंड स्ट्रैटेजी, तो वहाँ से सिलेक्ट किए थे. तो वी हैव सिलेक्टेड ऑल द स्टॉक्स फ्रॉम ब्रेकआउट, रेड ग्रीन बैंड एंड मोमेंटम, सॉरी रिवर्सल. ओके, तो बेसिकली चोला फाइनेंस तो इनवैलिड हो गया है. नो एंट्री हैज बीन ट्रिगर्ड. कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई. इंस्टेड ओपन होके नीचे ही गिर गया. तो वी विल अवॉइड दिस स्टॉक. देन देयर इज अनदर स्टॉक, डीएलएफ इज वेरी गुड. तो इतना सेल ऑफ आने के बाद भी डीएलएफ में देख सकते हो
रेड डॉट्स आने के बावजूद भी यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, प्राइस इज ट्राइंग टू सस्टेन ओवर हियर. सो दिस विल बी वेरी गुड, डीएलएफ विल बी वेरी गुड. नीचे ग्रीन डॉट्स भी आ गए हैं, तो प्राइस अगर इसी जोन में सस्टेन करती है एंड रेड डॉट्स ब्रेक करके, प्रीवियस रेड बॉक्स ब्रेक करके ऊपर निकलती है 830 के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें इसमें एक स्ट्रांग अप मूव देखने को मिलेगा. डेफिनेटली हमें इसमें एक स्ट्रांग अप मूव देखने को मिल जाएगा. तो डीएलएफ विल बी वेरी गुड. यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट 3 डेज ऑफ कंसोलिडेशन है, तो दिस इज द लास्ट 3 डेज ऑफ कंसोलिडेशन, प्लस दिस इज प्रीवियस रेड बॉक्स, डेली रेजिस्टेंस है, प्लस आज एक रेंज भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. सो अगर और यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करता है एंड टेक्स रिवर्सल एंड ब्रेक दिस लेवल, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड इन डीएलएफ. देन वी कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड ट्रेड इन डीएलएफ. तो फोकस डीएलएफ, इट इज हैविंग वेरी गुड सेटअप. देन देर आर अदर स्टॉक्स आर देयर, लाइक फेडरल बैंक इज ऑल्सो देयर, बट करंटली बैंक निफ्टी इज वीक, सो आई डोंट थिंक बैंक्स विल गो अप दैट स्ट्रॉन्ग. बट सपोज बैंक निफ्टी रिवर्सल लेता है, सस्टेन करता है एंड ब्रेक दिस जोन, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम बुलिशनेस इन फेडरल बैंक एज वेल. ब्रिटानिया इज ऑल्सो गुड. तो ब्रिटानिया में देखो, यहाँ पे मैक्स कॉल लेवल है, रेड बॉक्सेस है, डीआर है. आज उसने गैप ओपन हुआ, गैप ओपन होकर यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है. सो अगर यहाँ से फिर से रिवर्सल लेता है एंड ब्रेक दिस इम्पोर्टेंट लेवल विच इज 5,500, ओके, तो 5,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है. तो अगर वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें ब्रिटानिया में देखने को मिल जाएगा. तो 5,500 लेवल या फिर आज का जो हाई है विच इज 5,500 ओनली, सो ये काफी इम्पोर्टेंट है. तो जैसे ये लेवल निकाल लेता है तो डेफिनेटली हमें इसमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल जाएगी. सो फोकस फेडरल बैंक, डीएलएफ, ब्रिटानिया, ऑल द थ्री स्टॉक्स आर हैविंग वेरी गुड सेटअप. अपोलो टायर, इनिशियली वी आर लुकिंग फॉर रिवर्सल. अगर ऊपर जाता है, यहाँ पे कुछ डबल टॉप ट्रिपल टॉप जैसा कुछ पैटर्न क्रिएट करता है, तो वी शुड हैव गॉन फॉर सेल ट्रेड, बट करंटली इट इज गोइंग डाउन ओनली, सो आई वुड लाइक टू अवॉइड. ओके, सो दिस फेडरल बैंक इज गुड, डीएलएफ इज गुड एंड ब्रिटानिया इज गुड. ऑल थ्री स्टॉक्स आर वेरी गुड. रेस्ट ऑफ द स्टॉक, चोला फाइनेंस हैज बिकम इनवैलिड, आई विल रिमूव दैट फ्रॉम द वॉच लिस्ट. अपोलो टायर ऑल्सो बिकम इनवैलिड. देन देर आर स्टॉक्स विच वी हैव गिवन फॉर स्विंग. सो स्विंग के लिए हमने एचडीएफसी लाइफ शेयर किया था. तो आइडिया इज दैट कि वी शुड बाय अबाउट दिस मल्टीपल रेड बॉक्सेस, इट शुड ब्रेक दिस, देन वी कैन गो फॉर स्विंग ट्रेड इन एचडीएफसी लाइफ. बट आज एक सेल ऑफ देखने मिल गया है, सो नाउ इट नीड्स टू टेक रिवर्सल एंड देन ब्रेक दिस लेवल. इट नीड्स टू टेक रिवर्सल एंड देन ब्रेक दिस लेवल. हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल्सो हैविंग सिमिलर सेटअप. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इज गुड, इट हैज ऑलरेडी गिवन अस अ ब्रेकआउट, ऑलरेडी उसने ब्रेकआउट दे दिया है. प्राइस इज ट्राइंग टू सस्टेन ओवर हियर, तो इसी तरीके से सस्टेन करती है तो हमें फर्दर अप मूव देखने को मिल जाएगा स्विंग में. तो एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज वेरी गुड कंपेयर टू अदर स्टॉक्स. एंड इंडिविजुअल लाइफ, इट इज येट टू ट्रिगर, तो यहाँ पे एक स्पाइक बना दिया उसने, तो ये स्पाइक जो है वो निकालना काफी इम्पोर्टेंट है. तो जो प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज जस्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट कर दिया है उसने, तो यहाँ पे फिर से जब ऊपर जाएगा और ये हाई ब्रेक करेगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अपसाइड, देन इट विल बी गुड फॉर अपसाइड. ओके, सो दिस शुड बी द आइडिया फॉर स्विंग ट्रेडर एज वेल. सर, वॉट इफ इट कंसोलिडेट बिलो द लोवेस्ट सेट ऑफ डॉट्स एंड ब्रेक डाउन? नो, अगर वहीं पे कंसोलिडेशन करता है इंडेक्स तो इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से नीचे काफी आ चुका है. ओके, ऑलरेडी ऊपर से नीचे काफी आ चुका है, ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर जाकर आ चुका है. तो अगर इसी जोन में सस्टेन करता है तो ज्यादा डाउन साइड नहीं मिलेगा. इंस्टेड अगर ये रेड डॉट्स के एरिया में भी आके, ये जो रेड डॉट्स का एरिया यहाँ पे आके हमें कुछ बेसिक प्राइस एक्शन देता है फॉर सेल साइड, देन ऑल्सो इट विल बी गुड, देन ऑल्सो इट विल बी गुड. ओके, देन ऑल्सो इट विल बी गुड. गुजरात गैस, ओके, तो गुजरात गैस इट वाज नॉट हैविंग अ वेरी प्रॉपर सेटअप. इंस्टेड यहाँ पे सेल सेटअप अगर बन जाता था, ऑलरेडी देखो नीचे से कंटिन्यू ऊपर 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 ही आ रहा था, सो इट शुड हैव लाइक दिस ट्रेंड लाइन जैसा कुछ पैटर्न क्रिएट करता था, तो ये एक बेटर ऑप्शन बन जाता था. प्रिंस पाइप,
या फ्रिंज पाइप इज गुड, रेड बॉक्सेस भी है, प्राइजेस कंसोलिडेशन, प्राइस कंसोलिडेट भी कर रही है, सो प्रिंस पाइप इज हैविंग वेरी गुड सेटअप वंस इट टेक्स आउट दिस वीकली रेजिस्टेंस एज वेल। तो प्रीवियस जो रेड बॉक्स है तो यहाँ तक का तो आपको इनिशियल टारगेट मिल सकता है, देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड लुक फॉर फर्दर टारगेट। JSW एनर्जी, नो JSW एनर्जी डोंट हैव एनी सेटअप। नो गोदरेज प्रॉपर्टी ऑल्सो डोंट हैव एनी सेटअप। यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज द सेलिंग जोन, सिमिलर टू आज निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देख सकते हो तो गैप होके इसी तरीके का कुछ पैटर्न क्रिएट किया है। और ये देखो यहाँ पे देखो इतना सेल ऑफ आने के बाद फिर से रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिला, ऊपर गया तो फिर से वहां से नीचे ही आया है। तो दिस काइंड ऑफ सिमिलर सेटअप यू कैन फोकस इन इंडेक्स, दिस काइंड ऑफ सिमिलर सेटअप यू कैन फोकस इन इंडेक्स। SBI Life, ओके, नो SBI Life, नो सेटअप, ऑलरेडी गिर चुका है स्टॉक एंड नाउ कमिंग इनटू द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। IRFC, इट विल बी गुड फॉर रिवर्सल ओनली। सो यहाँ पे कुछ हमें ट्रेंड लाइन जैसा पैटर्न मिल जाता है तो इट विल बी गुड फॉर रिवर्सल, इट विल बी गुड फॉर रिवर्सल, ओके। निफ्टी 50 में बाइंग जोन नहीं है राजेंद्र जी, इंस्टेड ऊपर जाता है तो सेल के लिए फोकस कर सकते हो, ऊपर जाके कुछ आपको सेल साइड पैटर्न मिल जाता है, देन यू कैन फोकस फॉर सेल साइड। बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो कि मॉर्निंग में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, करेक्ट, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो ये इस ट्रेलिंग की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा, बट ये अगेन फिर से एक बार नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। जहां से भी वो बेसिक प्राइस एक्शन देता है तो निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों में सिमिलर सेटअप है, ओके। BHL ऑल्सो डोंट हैव एनी सेटअप, सो अवॉइड BHL अश्वनी जी। IEX ऑलरेडी गोइंग अप फॉर लास्ट 3 डेज, सो यू नीड टू वेट इन IEX। देखो IEX ऑलरेडी 2-4 दिनों से ऊपर जा रहा है, सो फिलहाल तो कोई सेटअप नहीं है, यू कैन वेट। HUL लाइक आई टोल्ड इट इज गुड फॉर स्विंग ट्रेड, ओके, स्विंग के लिए काफी अच्छा है, इंट्राडे के लिए फिलहाल तो देर इज नो सेटअप इन HUL। रिलायंस नो सेटअप, एक रेंज बाउंड स्टॉक है, एक रेंज क्रिएट करेगा इस जोन में, फिलहाल देर इज नो सेटअप इन रिलायंस एज वेल। APL लिमिटेड ऑलरेडी वेंट अप, यू कैन आइदर बुक योर प्रॉफिट, अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट, अदरवाइज अवॉइड। टाटा केमिकल, या टाटा केमिकल इज गुड, यहाँ पर देख सकते हो कि रेड बॉक्स भी है प्लस प्रीवियस रेड बॉक्स भी है यहाँ पे एक, तो इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ गुड रेंज ओवर हियर। सो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके का सेटअप मिलता है एंड ब्रेक दिस रेड बॉक्स तो यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल आएगा, बट ये भी अगर वीकली रेजिस्टेंस भी निकाल देता है तो इट विल बी वन वे रैली, इट विल बी वन वे रैली, ओके। सो टाटा केमिकल इज ऑल्सो गुड। येस बैंक इज स्मॉल स्टॉक, इट इज नॉट फॉर इंट्रा डेज सुनीता जी, सो आई डोंट थिंक देर इज एनी सेटअप इन येस बैंक एज वेल, सो इट इज अ वेरी स्मॉल स्टॉक, वी कैन नॉट ट्रेड ट्रेड इन सच स्मॉल स्टॉक इन इंट्रा डे। या BPCL इज हैविंग वेरी गुड सेटअप, ऑलरेडी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया अभी अभी, काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का सेटअप हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके का ग्रीन डॉट्स के ऊपर इस तरीके का कुछ कंसोलिडेशन मिलता है एंड फिर इस तरीके स्कैंडल के जैसा कुछ ब्रेकआउट मिलता है तो इट बिकम्स अ वेरी वैलिड सेटअप, इट बिकम्स वेरी वैलिड सेटअप। तो ऐसे सेटअप हमारे अगेन जाने के चांसेस काफी कम रहते हैं, ऐसे सेटअप हमारे अगेन जाने के चांसेस काफी कम रहते हैं, भले यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आके फिर से ऊपर ही जाता है, ओके।
So BPCL is having very good setup for upside. DivisLab, like I told, retouching, it is good for swing. Okay, so this is the previous red box. जब तक ये नहीं निकालता तब तक further upside हमें देखने को नहीं मिलेगी. सर जब मैंने टाटा केम लिया था तब ग्रीन बैंड था, इट इज गुड ट्रेड. आई डोंट नो व्हेन वाज द ग्रीन बैंड, सो आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. या इट इज राइट नाउ गुड, बट यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रीन कैंडल्स है. तो एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आने के बाद अगर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन यू कैन प्लान फॉर बुलिश ट्रेड. देन यू कैन प्लान फॉर बुलिश ट्रेड ओवर हियर. निहाल जी, ओके. पीएल नो सेटअप इन पीएल. ओएनजीसी ऑलरेडी वेंट अप सर, सो देर इज नो पॉइंट इन ओएनजीसी राइट नाउ. यू कैन बुक योर प्रॉफिट, अगर आपने ऑलरेडी लिया है तो मैक्स कॉल एंड डीटीआर इज द टारगेट लेवल, सो यू कैन बुक ओवर हियर. गेल यू कैन इट गेल कैन बी गुड, इट कैन गो टिल रेड बैंड एज वेल. तो गेल एक रेड बैंड तक भी जा सकता है. गेल इज गुड. नो हिंदाल्को, नो सेटअप. ये कौन सा स्टॉक है? वी डोंट हैव वीवो जी, ये जायसवाल नेको, वी डोंट हैव दैट स्टॉक. डाबर ऑलरेडी वेंट अप, सो वी वर डिस्कसिंग डाबर फॉर लास्ट वीक होल वीक की. यहाँ पे देखो एक अच्छा रेंज क्रिएट कर रहा है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट के लिए आप जा सकते हो. सो एंड एज द रिजल्ट यू कैन सी देर वर मल्टीपल रेड बॉक्सेस ओवर हियर. ओके, तो डाबर में यहाँ पे काफी ज्यादा रेड बॉक्सेस थे, तो रेड बॉक्स ब्रेक करने के बाद उसने एक रिट्रेसमेंट लिया था, बट फिर से उसी वही टाइम से वही लेवल से उसने रिवर्सल लिया था. तो डाबर वॉज वेरी गुड ऑलरेडी, बट आज देर इज नो सेटअप. टूडे देर इज नो सेटअप इन डाबर. सर फार्मा, सन फार्मा विल बी गुड अबाउट दिस रेड बॉक्सेस ओनली, बिकॉज दिस इज अ मैक्स कॉल लेवल एज वेल. सो जब तक ये लेवल नहीं निकालता तब तक अपसाइड के लिए इसमें कोई सेटअप नहीं है. फॉर नाउ इट माइट स्टे इन दिस रेंज ओनली, बट यू कैन फोकस अबाउट दिस लेवल ओनली. पी वी राव जी, नो एल एन टी डोंट हैव सेटअप. जितेश जी कौन से स्टॉक ला रहे हो आप? जो ट्रेड क्लू में है वो स्टॉक लाइए. स्पोर्ट्स किंग वी डोंट हैव दैट स्टॉक. दिव्या जी यू कैन वॉच आवर यूट्यूब वीडियोस टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूल. तो यूट्यूब में हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में इफ यू आर बिगिनर तो यहाँ पे देखो ट्रेड क्लू फॉर बिगिनर्स एक प्लेलिस्ट है. हाउ टू यूज ट्रेड क्लू हिंदी है, हाउ टू यूज ट्रेड क्लू इंग्लिश है, इंडेक्स ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, प्लस प्रीमियम वेबिनार्स भी है. यू कैन वॉच ऑल दिस वेबिनार्स एज. ओके, सो यू विल गेट वेरी गुड इनसाइट. नो आरसीएफ, डोंट हैव एनी सेटअप. सी डीएलएफ में वीकली रेजिस्टेंस विल बी द फर्स्ट टारगेट. प्रीवियस रेड बॉक्स विल बी लिटिल बिट हर्डल, बट वीकली रेजिस्टेंस एंड मैक्स पेन विल बी द वेरी गुड टारगेट. सो सी यू कैन सी काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला है, तो ऑलमोस्ट 1% का तो हमें टारगेट रखना चाहिए. सो इट विल बी वीकली रेजिस्टेंस ओनली. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो फोकस फेडरल, डीएलएफ एंड ब्रिटानिया, ऑल द थ्री स्टॉक्स आर हैविंग गुड सेटअप. डीएलएफ तो ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है, सो यू कैन कीप योर टारगेट वीकली रेजिस्टेंस और यू कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट ओवर दिस रेड बॉक्स एरिया. तो रेड बॉक्स एरिया से रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं, फिर
यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, देन इट माइट गो अप अगेन, देन इट माइट गो अप अगेन. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. वी विल कनेक्ट बैक अगेन टुमारो. और भी अगर कोई आपकी क्वेरीज रहेंगे, डाउट रहेंगे, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर सपोर्ट नंबर. एंड मेक श्योर जो नए लोग हैं जिनको और भी ट्रेड क्लू के बारे में सीखना है, समझना है, सो वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्ले लिस्ट फॉर यू. ट्रेड क्लू फॉर बिगिनर्स है, मास्टर वीडियोज है, सो यू कैन वॉच एनी ऑफ दिस प्ले लिस्ट. शुरू करना है तो आप ट्रेड क्लू फॉर बिगिनर से शुरू कर सकते हो, एंड हाउ टू यूज ट्रेड क्लू, ये दो प्ले लिस्ट से आप शुरू कर सकते हो, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद अदर प्ले लिस्ट एज वेल. ओके, सो दैट्स इट. थैंक यू एवरी वन.